हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टैग विद रोहित में। मैं फिर से आ गया एक नए वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि आप एक मोबाइल नंबर से और एक ही डिवाइस से कैसे एक से ज़्यादा जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो। और हम जानेंगे कि एक ही मोबाइल नंबर से हम कितने सारे जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो डोंट वेस्टिंग आवर गोल्डन टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम बात करेंगे कि एक सिंगल मोबाइल नंबर से हम कितने सारे जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, आप एक मोबाइल या एक सिंगल नंबर से आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने जीमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप एक से ज़्यादा जीमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हो तो उनके पीछे एक इंटरवल होना चाहिए। जैसे आज आप एक जीमेल आईडी क्रिएट कर रहे हो तो 3 दिन के बाद आप दूसरा जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा, आपको ओटीपी मिलने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। अगर आप एक ही दिन में 5, 6, 7 जीमेल आईडी क्रिएट कर देते हो तो आपको ओटीपी मिलने में प्रॉब्लम होगी, और इससे यह होगा कि आपका जीमेल आईडी भी क्रिएट नहीं होगा। अगर इसी रूल के हिसाब से आप जीमेल आईडी क्रिएट करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जीमेल आईडी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको जीमेल आईडी क्रिएट करना आता है तो वीडियो को लैप भी कर सकते हो। जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा अपना फ़ोन, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, चाहे कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। जीमेल आईडी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें ऑन करना होगा अपने डेटा को। हमारा यहाँ डेटा भी हो गया ऑन। हमें अपने मोबाइल पर एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है जिसका नाम है जीमेल, उसे कर लेंगे हम ओपन। हमें लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर 3 लाइंस देखने को मिल जाता है, उस पर कर लेंगे हम क्लिक। हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हम इसे कर लेंगे स्क्रॉल। और नीचे के साइड सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उस पर कर लेंगे हम क्लिक। हमें जीमेल आईडी को क्रिएट करने के लिए एड अकाउंट के ऑप्शन पर करना होगा क्लिक, उस पर कर लेते हैं हम क्लिक। उसके बाद गूगल के ऑप्शन पर कर लेंगे टैप। न्यू अकाउंट को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्रिएट अकाउंट का, उस पर कर लेंगे हम सिलेक्ट। हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पहला ऑप्शन फॉर माई सेल्फ और दूसरा ऑप्शन टू मैनेज माई बिजनेस। पहला ऑप्शन का मतलब है ये जो जीमेल आईडी बनाना चाहते हो वो किस पर्पज़ से, खुद के पर्पज़ से या बिजनेस के पर्पज़ से इसे आप ओपन करना चाहते हो। तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा माई सेल्फ। यहाँ पर आप इंटर कर दीजिएगा अपने नेम को। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ अपने नाम को इंटर। मैंने यहाँ पर अपना नेम को कर दिया फिल। हमें यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर कर देना होगा क्लिक। यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को करेंगे फिल। मैं भी कर लेता हूँ अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल। यहाँ पर यहाँ पर कर लीजिएगा जेंडर को सिलेक्ट, फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर कर दीजिएगा क्लिक। आप जीमेल अकाउंट को 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हो, तो एक तो अपने मोबाइल के सिस्टम से और दूसरा अपने नंबर को यूज़ करते हुए। यहाँ पर हम सीखेंगे कि हम अपने नंबर से कैसे दूसरे अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यूज़ मोबाइल का, उस पर कर लेंगे हम टैप। उसके बाद हमें राइट साइड में नीचे में यस यूज़ नंबर का ऑप्शन पे कर देंगे हम क्लिक। यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होगा, लोडिंग। आपके मोबाइल पे जो भी सिम होगा अवेलेबल उसका नंबर आपके आपके मोबाइल के स्क्रीन पे हो जाएगा शो। वहाँ पर आप अपने मोबाइल के नंबर को कर लेंगे सिलेक्ट। यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर हो गया शो। उसके बाद हमें राइट साइड में नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उस पर कर लेंगे हम क्लिक। उसके बाद हम कर लेंगे स्क्रॉल। हमें यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर कर देना होगा टैप। अपने जीमेल आईडी को सिक्योर करने के लिए हमें यहाँ एंटर करना होगा पासवर्ड, जो कि इजी हो और आपको रिमेम्बर भी हो। और यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 जीमेल आईडी देखने को मिल जाता है। अगर वो आपको पसंद ना आए तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर जैसा आपका मन हो वैसे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं सिलेक्ट कर लूँगा दूसरे ऑप्शन को। राइट साइड में सबसे नीचे में डन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उस पर कर लेंगे हम टैप। उसके बाद हमें राइट साइड में नीचे में फिर से देखने को मिल जाता है नेक्स्ट का ऑप्शन, उस पर कर लेंगे क्लिक। प्राइवेसी एंड टर्म्स को कर देंगे एग्री।
यहाँ पर सबसे नीचे में देखने को मिल जाता है जो जीमेल आईडी हमने क्रिएट किया है, नीचे की ओर देख सकते हैं तो मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर सब जीमेल आईडी देखने को मिल जा रहा है जो कि मैंने सिंगल मोबाइल नंबर से ही क्रिएट किया है। इसी रूल को फॉलो करते हुए आप कितने भी जीमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हो। तो आप इसी तरह से जीमेल आईडी इजीली क्रिएट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।